सफलता उसी के कदम चूमती है जो मेहनत करना जानता हो। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट टीम की, और इसीलिए भारत को क्रिकेट का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, और उसी के कारण से हर फॉर्मेट पर इंडियन क्रिकेट टीम अव्वल नंबर पर है। फ्रेंड, इस दुनिया में खेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको द गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, और यह हमेशा से ही प्यार और भाईचारे से खेले जाने वाला गेम रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आज के दिन में इस खेल भावना का पर्याय माना जाता है। बात करें इस खेल की दूसरी ओर, बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग और विरोधियों टीम के साथ साथ अपने ही टीम के प्लेयरों में उलझ जाने पर जेंटलमैन कहे जाने वाले इस खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, और इसके लिए इन खिलाड़ियों को सजा भी भुगतनी पड़ी, और कई खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया। तो कई खिलाड़ियों को अपने गुमनाम जिंदगी जीने के लिए क्रिकेट जैसे जेंटलमैन कहे जाने वाले इस गेम से दूर जाना पड़ा। लेकिन आज की इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ जिस क्रिकेटर की, जिसकी अपराध के लिए उसको फांसी की सजा दी गई थी, जिसकी गुनाहों की कीमत उसको अपनी जान दे के चुकाना पड़ा, और ये दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर जिसको फांसी की सजा दी गई थी। तो आज की इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ इस क्रिकेटर की। 29 मार्च 1905, जमैका के किंगस्टन शहर में बहुत ही गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रेस्ले हिल्टन था। इस बच्चे के बाप के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जन्म के 3 साल के अंदर ही उसकी माँ भी गुजर गई थी, और इस तरह से वो बच्चा अनाथ हो गया, और 3 साल की उम्र से ही रेस्ले हिल्टन का देखभाल उनके बहनों ने किया, और सिर्फ 10 साल तक उनके बहनों का साया उसके ऊपर था। उसके बाद ये भी छूट गई, और बचपन में ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ देने के बाद वो एक टेलर की शॉप में काम करने लगे। रेस्ले हिल्टन को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बहुत ही प्यार और सम्मान था। अपनी मेहनत, लगन और क्रिकेट के प्रति प्यार की वजह से आखिरकार 1927 में वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से उनको खेलने का मौका मिलता है, और इस तरह से 1927 से 1935 तक जमैका की तरफ से वो लोकल मैच खेलते रहे। रेस्ले हिल्टन एक अच्छा क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छा फास्ट बॉलर और एक अच्छा ऑलराउंडर था, और इस तरह से 1935 में इंग्लैंड के खिलाफ रेस्ले हिल्टन को पहली बार टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका मिलता है, और रेस्ले हिल्टन की परफॉर्मेंस की वजह से वेस्ट इंडीज ने वो पहली सीरीज अपने नाम की थी। बारिश की वजह से इस सीरीज की ज़्यादातर मैचेस गीली पिच पर खेला गया था, और रेस्ले हिल्टन ने अपने पहले मैच पर पहली पारी पर 8 रन देकर 3 विकेट लिए, और इस सीरीज का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन पर खेला गया, और रेस्ले हिल्टन ने इस मैच पर 5 विकेट लिए। इसी के बदौलत वेस्ट इंडीज ने ये मैच आसानी से जीत ली, और इस सीरीज का आखिरी मैच रेस्ले हिल्टन के होम ग्राउंड पर था, और इस मैच को 1 इनिंग्स और 161 रनों से वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था, और ये वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट सीरीज जीत था। और अगला दौरा वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड में रहता है। पहले 2 मैचों में रेस्ले हिल्टन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा ना होने के कारण 3 मैचों से उनको ड्रॉप किया जाता है, और लगातार वेस्ट इंडीज टीम में जगह ना बनाने की वजह से रेस्ले हिल्टन ने 1939 में टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। रेस्ले हिल्टन 1942 में लेलिन नाम की एक फैशन डिजाइनर लड़की से शादी कर लेते हैं जिसके पिता पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन उनके शादी से लेलिन के परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेलिन फैशन डिजाइनिंग के काम से अक्सर न्यूयॉर्क जाया करती थी, और यहाँ पर रॉय फ्रांसिस नाम के एक बंदे से अक्सर मिलती थी। वो दोनों शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थे। 12 साल बाद 1954 में रेस्ले हिल्टन को एक गुमनाम खत मिलता है जिसमें लेलिन और रॉय फ्रांसिस के बीच नाजायज संबंध का जिक्र किया जाता है। रेस्ले हिल्टन लेलिन के परिवार वालों को ये खत दिखाते हैं, और लेलिन को टेलीग्राम भेजते हैं न्यूयॉर्क में ताकि वो जल्दी घर आने के लिए। लेकिन लेलिन रेस्ले हिल्टन को कन्विंस कर लेती है कि रॉय फ्रांसिस उसका एक अच्छा दोस्त है, लेकिन रेस्ले हिल्टन का गुस्सा अभी भी बरकरार रहता है। कुछ दिन बाद रेस्ले हिल्टन एक आदमी को पोस्ट ऑफिस जाते हुए देखता है, और उसके हाथ में लेलिन का दिया हुआ एक लेटर रहता है। रेस्ले हिल्टन पोस्ट ऑफिस से वो लेटर लाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पोस्टमास्टर वो लेटर रेस्ले हिल्टन को देने से इनकार कर देते हैं। रेस्ले हिल्टन के पास अपनी सुरक्षा के लिए पहले से एक पिस्टल था, और उसी रात रेस्ले हिल्टन ने इसी लेटर के बारे में पूछा था, लेकिन लेलिन ने इस लेटर के बारे में बताने से इनकार कर दिया। रेस्ले हिल्टन लेलिन के साथ बहुत चालाकी से गेम खेलते हैं और बोलते हैं,
कल जो तुमने लेटर पोस्ट किया वो लेटर पोस्टमास्टर मुझे देने को राजी हो गया। और ये बात सुनते ही लेरलिन मान जाती है कि रॉय फ्रांसिस के साथ उसके नाजायज संबंध थे। और ये बात सुनते ही लेस्ली हिल्टन ने अपने ही पिस्तल से साथ के साथ गोलियां लेरलिन के सीने में उतार दी और इस तरह से लेरलिन की मौत हो गई। और उसके बाद अक्टूबर 1954 को कोर्ट द्वारा लेस्ली हिल्टन को दोषी पाया गया। लेस्ली हिल्टन ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वो खुद पर गोली मारना चाहता, लेकिन लेस्ली हिल्टन के हर अपील को नकार दिया गया, इसलिए क्योंकि लेरलिन के सीने में 7 गोलियां प्राप्त हुई थी। आखिरकार 17 मई 1955 के दिन लेस्ली हिल्टन को फांसी दे दी गई। वेस्ट इंडीज को अपने पहले टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर लेस्ली हिल्टन की जिंदगी एक अपराधी के तौर पर खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।